हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे द्वारा सेवेंथ क्लास का ज्योग्राफी का सेवन चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। सेवन चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। इस पाठ के अंतर्गत हमारे द्वारा मुख्य रूप से कुछ परिभाषाएं पढ़ी जाएंगी, परिवहन के साधनों का अध्ययन किया जाएगा और साथ में संचार के साधन प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक के अंदर जो भी इन तीनों टॉपिकों के अंतर्गत परिवर्तन दिखाई दिए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। बुक में पेज नंबर आपके दे रखा है, ये 47 पर चैप्टर। सभी अपनी बुक खोल लें। अध्याय एक में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ साथ उसने कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना, घर बनाने का कार्य, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास कर लिया है। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया है। बच्चों, जब मानव जीवन प्रारंभ हुआ था उस समय मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन मानव में अपने आप में स्किल पाई जाती है, कौशल पाया जाता है और उसी के आधार पर उसने उत्पादन खाद्य पदार्थों का उत्पादन करना भी सीख लिया, घर रहने के लिए अपनी सुविधानुकूल घर बनाना सीख लिया, यातायात और संचार के साधनों में काफ़ी तरक्की कर ली है। इस प्रकार से उसने वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया है। अब हमारे द्वारा सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ा जा रहा है जिसका नाम है बस्तियाँ। बस्तियाँ वे स्थान होती हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ये लाइन बेटा नोट कर लेना, ये आपके बस्तियों की डेफिनेशन है, ये आपको लिखनी भी है कॉपी के अंदर। फिर है, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया था। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ था। नदी घाटियाँ बेटा जहाँ पर नदियाँ बहती हैं और मुख्य रूप से पहाड़ों से नदियाँ मुख्य रूप से बहती हैं, तो जिन घाटियों का निर्माण करती हैं, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ पर ही मुख्य रूप से बस्तियाँ बसी थी, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, भूमि उपजाऊ होती थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती चली गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील, ह्वांगो नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? सिंधु तो अपने आपको पता ही है, भारत में है। नील आपके मिश्र अफ्रीका के अंदर, हांगो चाइना के अंदर नदियों के किनारे सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ था। बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थाई और दूसरी अस्थाई। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थाई बस्तियां कहते हैं। ये बस्तियों के जो प्रकार है ना, स्थाई अस्थाई, इनकी भी डेफिनेशन लिख लेना। उन्हें अस्थाई बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानी पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थाई बस्तियों में निवास करते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यदि भी अधिकांश बस्तियाँ आज स्थाई बस्तियाँ हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक साइड में बॉक्स बना हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। बच्चों, ये इसकी बसाव स्थान की भी डेफिनेशन याद कर लेना। आदर्श बसाव स्थल चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं कौन कौन सी उपयुक्त होती हैं? सबसे पहले तो वहाँ पर अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, मतलब मानव जिस जलवायु को सहन कर सकता है वैसी उसके अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए और उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। उपयुक्त से मतलब पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर भूमि रहने के लोग योग्य होनी चाहिए और उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। उपजाऊ से मतलब वहाँ भूमि जो है उसमें खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जा सकना संभव हो। ये वाला क्वेश्चन अपना तैयार कर लेना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, हमारे 48 पेज नंबर पर। मैरी का जन्मदिन था।
केक काटने के बाद अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिर थकी खांसती हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने तय अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती हुई आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ पर नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, लोगों के द्वारा शहरों की तरफ गमन क्यों किया जाता है या लोग शहर क्यों आते हैं? उसका आंसर है, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग यहाँ शहर में आते हैं तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ, अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़भाड़ और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में भी रहते हैं। शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल भी नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से, ये जितनी भी वार्तालाप चल रही है उस फैमिली के अंदर मैरी के बर्थडे वाले दिन पर, उस सारे संवाद से हम क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण सामने आते हैं। ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ, बस्तियाँ कितनी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक जो गाँव में रहती है उसे ग्रामीण कहते हैं, और जो शहरों में रहती है उसे शहरी बस्तियाँ कहते हैं। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती के लोगों का मुख्य कार्य क्या क्या है? कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी मतलब वन से संबंधित कार्य, दस्तकारी मतलब कुटीर उद्योग, और पशुपालन संबंधी कार्य। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों के आसपास बने होते हैं, बस्तियों में घर पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देखो, चित्र के अंदर भी आपको ये सब दिखाई दे रहा है। सघन बस्ती का जो चित्र है वो 7.2 है, जहाँ पर घर बहुत पास बने हुए हैं। और प्रकीर्ण बस्ती के अंतर्गत देखो, आपके घर बहुत दूर दूर बने हुए हैं, जैसे पहाड़ों पर, ऐसे इलाकों में जब बने हुए घर होते हैं तो इनका एक घर होता है और बहुत सारी खाली ज़मीन पड़ी हुई होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टल्ट पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में, देखो बच्चों, स्टल्ट के घर जो हैं, 7.4 नंबर का चित्र आपके ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके जो चित्र बनाया गया है, इस चित्र के अंदर नीचे जो है पिलर, या क्या कहते हैं आपके पिलर के ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर घर बना हुआ है, मतलब जहाँ पर पानी भरता है या फिर जल का भराव होता है ना, वहाँ पर ज़मीन से टच होते हुए मकान नहीं बनते हैं, बल्कि थोड़ी ऊंचाई लिए हुए घरों को बनाया जाता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनमें छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उससे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसके आगे परिवहन का अध्ययन करेंगे।
सबसे इस वाले पार्ट के अंदर आपको 5-7 परिभाषाएं लिखनी है। पहले नंबर पर बस्ती की लिखनी है, फिर बस्तियों के प्रकार लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बसाव स्थल की परिभाषा देनी है और बस एक अनुकूल बसाव या आदर्श बसाव के लिए कौन सी परिस्थितियां होनी आवश्यक है, वो चारों परिस्थितियों के पॉइंट देने हैं। फिर आपने एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पेज नंबर 48 पर भी बताया था कि लोग शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक और आपके दे रखा है यहीं 48 पेज नंबर पे आपके ऋतु प्रसाव, लोगों के मौसमी, ऋतु प्रसाव किसे कहते हैं, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। ऋतु प्रवास की परिभाषा भी आपको अच्छे से लिखनी है। फिर ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, शहरी के कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं, ये सब आपको लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।